नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। जवा थाना के अंतर्गत चांदनी गांव में सड़क पार कर रहे मासूम को काफी तेज रफ्तार से बुलेट चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी में 3 युवक सवार थे और तेज गति से बुलेट चला रहे थे। वहीं मृतक राजवीर सोनकर पिता अरविंद सोनकर का बेटा बताया जाता है, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष बताई जा रही है। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया, तो घंटों जाम लगा रहा। वहीं घटनास्थल पर SDM त्योथर एवं चंदमणि सोनी, तहसीलदार जवा समरजीत सिंह, SDOP त्योथर, जवा थाना प्रभारी तेजभान सिंह, कन्हैया सिंह बघेल थाना प्रभारी अतरैला, अभिषेक पटेल सुहागी थाना प्रभारी, प्रदीप सिंह जने थाना प्रभारी पहुंचे। काफी समझाए इसके बाद परिजनों ने आर्थिक मदद के आश्वासन पर जाम खोला। वहीं बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने बुलेट चला रहे युवक को पकड़ लिया, जिसका नाम आशीष कुमार सिंह, पिता राज नारायण सिंह, जो कि मझगवा का रहने वाला टिकरी गांव का बताया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बुलेट चला रहे युवक को पकड़ लिया, जिसका नाम आशीष कुमार सिंह, पिता राज नारायण सिंह निवासी टिकरी मझगवा, और जय सिंह पिता राम सनेही निवासी देवरी तथा चौखंडा 267 के रहने वाले बताए जाते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा घटनास्थल पर मर कायम करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। चोट लग जा, दारू पी की, नशा मा या मोटरसाइकिल चलाई, पूरा घर में देकर खा लिया। आप चाहते का ही बतावा? उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो TI साहब जो है मुकदमा दर्ज कर लिए है, उसमें दस्तखत कर दे, तभी ना कार्रवाई आ जाए। आपका? मेरा नाम दयानंद वर्मा है जी। मैं तो निवासी हूँ जी। जी तो कैसे घटना हुई ये घटना? लड़का, छोटा सा लड़का, उनकी माँ चारा काटने गई थी। लड़का गांव से निकल कर वहाँ मम्मी के पास जाने के लिए सोच रहा था, तो यहाँ से जैसे निकला उधर से काफी तेज बाइक चलाकर आ रहे हैं सुहागी साइड से, उधर साइड से ये आपका बुलेट था, बुलेट काफी तेज रफ्तार से चलाते हुए आए और लड़का वहाँ से निकला। उनको ब्रेक मारना चाहिए, लेकिन इनकी घोर लापरवाही, इनकी मोटरसाइकिल वालों की घोर लापरवाही की बदौलत लड़के के ठोकर लगता है और उनके सर पे चोट लगता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। आप चिंता ना करिए, ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कर है ना, हमारे पास सब जिंदा कर लेंगे, है ना। टीम चली, टीम ये बताइए, जब ये बालक की मतलब मृत्यु हो चुकी है और जाम आप लोग लगाए हैं, एकदम सामने आश्वस्त आपने कर दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, किसके ऊपर? जिसने एक्सीडेंट किया, तो फिर आप जाम क्यों लगाए हैं? अच्छा है कि मेरा लड़का नहीं आया, जिसके बच्चा है। अच्छा, चाक घाट बन चुका है जी, जब तक लड़का नहीं आएगा नहीं तो भाई लड़का जब आएगा तो कार्रवाई की तो आप माफ करेंगे, लड़का भी तो कार्रवाई की तो माफ करेगा। ATM साहब ने आश्वस्त कर दिया, कार्रवाई होगी। साहब बोले FIR दर्ज कर दिया और ये जो पक्षकार है फरियादी, अगर उसमें दस्तखत कर रहे हैं तो उसको जो है मतलब जो कार्रवाई होती है पुलिस की वो आगे बढ़ेगी और वो कार्रवाई जो है उसके बाद ही आगे बढ़ पाएगी, तो ये लोग अभी उसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो सर जो एक्सीडेंट किए हैं, जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ है तो वो पकड़े गए या वो भाग गए? नहीं, वो कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी। नहीं, बगल बैठे हुए कस्टडी में, बिल्कुल कस्टडी में है और वो पुलिस जो है ये करेगी, जो क्लेम की कार्रवाई है वो होगी और उसको जो हमारे कोर्ट से जो सजा होना है उसकी कार्रवाई होगी और हमारे यहाँ से राजस्व विभाग की तरफ से 15,000 रुपए का इसका प्रकरण बना के भेजेंगे, वो मंजूर करा के इसको दिलाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।